بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome to Oxford Islamic Scientific School. Lecture 2, Chapter 4, Physics. Topic: Newton's First Law of Motion. Newton's First Law of Motion. Every object continues its state of rest or uniform motion in a straight line. Her body अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखती है एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि तब्दील कर देती है उसकी रेस्ट की स्टेट को, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, तो वो उस वक्त तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए. इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं. अगर रूम में एक चेयर है, तो वो चेयर हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए, और वो फोर्स उस चेयर की स्टेट को चेंज ना कर दे, यानी रेस्ट से मोशन में ना ले आए. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, जो या तो उसको रोक देगी या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. इन डायग्राम से इंशाल्लाह आपको ये लॉ मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा. यहाँ चार डायग्राम्स हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी का नाम दिया गया है. अगर आप डायग्राम ए को ऑब्ज़र्व करें, तो उसमें एक बॉल रेस्ट की हालत में है. ये बॉल हमेशा रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए, जो इसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज करे. पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इस बॉल को किक किया जा रहा है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है. तो इस फोर्स की वजह से अब ये बॉल अपनी स्टेट चेंज कर लेगी और रेस्ट से ये बॉल मोशन में आ जाएगी. डायग्राम सी में देखें तो इसके नीचे लिखा है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन. अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये बॉल मोशन में है, तो ये कंटिन्यू करेगी अपनी मोशन कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन से, यानी ये बॉल मूव करती रहेगी, इसकी स्पीड और डायरेक्शन में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी. और डायग्राम डी में देखें आप, इस बॉल को एक नेट की मदद से रोका गया. इस बॉल ने जाकर जब नेट को हिट किया, तो नेट ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से बॉल रुक गई. अगर नेट इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता, तो ये बॉल अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखती. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाएगी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी, जैसे कि फिगर नंबर ए में है. और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाई जाए, जैसे फिगर सी और डी में है. अल्लाह हाफिज़.